गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ऑल। आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन के नेक्स्ट वीडियो के साथ आ चुके हैं। टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज द डेफिनेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन एंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ फिर से रेडी है। द कॉन्सेप्ट इज अबाउट द वैल्यूज एंड द नॉर्म्स फॉर यूपीएससी सोशियोलॉजी। सो एज यू कैन सी गाइस, मैंने ये कॉन्सेप्ट्स को आपको टेबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, सो दैट द कॉन्सेप्ट्स बिकम क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशनल एस्पेक्ट आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उसको समझाऊंगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसको हम कैसे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स गो ऑन। देखिए, वैल्यूज, दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हिच शेप्स द ह्यूमन बिहेवियर व्हिच हेल्प अस टू डिसाइड द राइटियसनेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस। क्या है ये चीज? दीज आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, मतलब क्या गाइस? लेट अस ट्राई विद एग्जाम्पल्स। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेज, ये वैल्यूज कैसे हैं गाइस? कोई भी लोग इन वैल्यूज को कह सकते हैं क्या कि नो दिस इज नॉट एथिकली राइट? नहीं कह सकते, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज और ये वैल्यूज एक बेंचमार्क सेट करते हैं लोगों के लिए डिस्टिंक्शन करने में कि क्या चीज राइट है या क्या चीज रॉन्ग है। मतलब क्या? हमें पता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें पता है कि ऑनेस्टी इज अ गुड वैल्यू, बट कोई लोग अगर ऑनेस्ट नहीं है तो हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि दोज हु आर नॉट ऑनेस्ट हैज सर्टेन नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ डिसऑनेस्टी इन देम। इट मींस व्हाट? द वैल्यूज फॉर एग्जांपल द ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, काइंडनेस, दे सेट गाइडलाइंस फॉर द सोसाइटी, फॉर द इंडिविजुअल। Those guidelines act and help the society as a whole and individual as a single entity to distinct the right and the wrong. I hope this is clear. Norms. Norms kya hai dekhiye? Norms are the actual behavioral pattern in the society for which the general consensus has been made. Iska matlab kya hai guys? Simplest thing is that कि ये जरूरी नहीं है कि नॉर्म्स एथिकली राइट हो। नॉर्म्स की एग्जिस्टेंस सोसाइटी में इसलिए है क्योंकि वहां के उस सोसाइटी में, स्पेसिफिक सोसाइटी में, वो प्रैक्टिस को लोग फॉलो करते हैं, एक लोगों के बीच में सहमति है उस प्रैक्टिस को लेकर। सो इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन अ पर्टिकुलर सोसाइटल टाइप। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, पर्टिकुलर सोसाइटल टाइप में वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एग्जाम्पल क्या? हिंदू सोसाइटी में वी नो दैट वी हैव, वी जनरली रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स बाई टचिंग देयर फीट। इट इज अ वे ऑफ ग्रीटिंग देम। इट मे नॉट बी द सेम फिनोमिना विथ अदर रिलीजन, विथ अदर सोसाइटी, विथ अदर सोसाइटल टाइप वी कैन से। That is the clear distinction from one society to another. So we cannot say that it is universally accepted across all the societal disciplines. ये चीज़ हम नहीं कह सकते। I hope the definitional aspect of values and norms is clear. Second is that generalistic guidelines. ये आप समझ गए हैं। Generalistic means it is universally accepted irrespective of the societal type. The specific means it is accepted universally but within a particular societal type. Principles believed by an individual. ये important चीज़ है guys. And these are widely accepted by the society. देखिए, we know that when we are socialized in the norms according to our what parents teaches, what society teaches. हमें पता होगा बचपन में जब हम schools में रहते हैं, जब हमारी education start होती है, उस समय पेरेंट्स हमें ये चीज समझाते हैं, टीचर्स हमें ये चीज समझाते हैं कि गाइस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी समझाते हैं कि गाइस बी करेजियस,
टू सर्व द नेशन. पॉइंट इज दैट हम किस वैल्यू को अपने अंदर ज्यादा इंटरनलाइज करें, ये डिसाइड करेगा कि हमारा प्रेफरेंस क्या है, हम किस वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इट मीन्स दैट फॉर मी आई नो करेजियस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मैं हो सकता है करेजियस को ज्यादा प्रिफर करूं, मैं हो सकता है ऑनेस्टी को ज्यादा प्रिफर करूं. देयर मे बी फॉर एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑन वन हैंड वन मे बी परसिस्टेंस, एक परसिस्टेंस कह लेते हैं ना, बी रेगुलर बी परसिस्टेंट विद योर एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो गुड वैल्यू. एंड वन मे बी फोकस्ड, ओके फोकस्ड मोर ऑन योर एनी टास्क विच यू डू. सो बोथ आर वैल्यूज, बट मे बी डिपेंड इज वन डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वन डिपेंड्स ऑन इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम बट बी फोकस. So for me, focus may be an important value or persistent. It depends on the level of the internalization of these values within me. But behavior that is widely accepted by the society is referred to as the concept of norm. Now this is simple. मैंने आपको समझा दिया. May vary from individual to individual. May vary from society to society. Examples आप देख सकते हैं. Examples क्या है? Like honesty, integrity, kindness, courage. एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. और इसमें आ जाती हैं टचिंग एल्डर फीट, कवरिंग द माउथ वाइल स्नीचिंग, ये सब चीजें. अब एक एस्पेक्ट आप देखिएगा, इसमें मैंने मेंशन किया है एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, दोनों में ये चीज मेंशन है. व्हाट इज द एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल गाइस? गाइस देखिए, सोशल कंट्रोल क्या होता है ना, कि वैल्यूज और नॉर्म्स सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनाने की हेल्प करती है. मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में ऑनेस्टी जैसे वैल्यूज, फॉलोइंग रिलीजियन रिलीजियस वैल्यूज को आप मानते हैं, आप पीसफुल एग्जिस्टेंस को मानते हैं, इससे क्या होता है ना, एक सोसाइटी में सॉलिडारिटी बनी रहती है, एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहती है गाइस. ओके किसी सोसाइटी में अगर ये वैल्यूज और नॉर्म्स एज गाइडलाइंस नहीं होती तो लोगों के पास ये चीज होता ही नहीं कि हम किस चीज को मानेंगे. सो इंडिविजुअल आपको पता है हैव डिफरेंट ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उनके हिसाब से जो सही होता है वो चीज मानते. सो इससे क्या होती, सोसाइटी विल बिकम काओटिक, सोसाइटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए वैल्यूज और नॉर्म्स अलग अलग होते. सो एज अ मींस व्हाट, कि सोसाइटी इज कंट्रोल्ड, सोसाइटी इज मेंटेन्ड थ्रू द सब यूनिट्स ऑफ वैल्यूज ऑन द नॉर्म्स विच हेल्प्स टू मेंटेन द ऑर्डर एंड द स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. आई होप दिस एस्पेक्ट इज क्लियर टू यू. Guys, now let us look at the classification of values. Okay? See, we have classified the values into two broad aspects. That is the specific and generalistic values, instrumental and end values. Now, what is this, guys? Examples ke saath hum samajhte hain, okay? Humne padha tha ki jo values hai, it depends on individual to individual. Matlab, humare liye jo values maine jyada apne andar internalize ki hai. जिस वैल्यूज को हमारे पेरेंट्स ने ज्यादा हमें समझाया है वो वैल्यूज कहलाते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज. ओके फॉर एग्जाम्पल फॉर मी ऑनेस्टी और करेज, ये दो वैल्यूज है, दोनों अच्छे वैल्यूज है, दोनों एथिकली सैंक्शन वैल्यूज है, बट फॉर मी आई विल फेवर मोर ऑनेस्टी देन करेज. मैं मानता हूं कि भाई करेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट फॉर मी ऑनेस्टी इज more important virtue which I will always follow. Okay? For example, और हम example इसे ले सकते हैं, जैसे एक होती है fraternity. Okay? एक होती है fraternity. Fraternity या brotherhood, मतलब भाईचारा का जो qualities होता है, ठीक है. अब भाईचारे की quality हो गई या कोई और virtues हो गया, जैसे integrity हो गई, okay? Honesty हो गई, ये सब वैल्यूज जो है, ये सब वैल्यूज में प्रेफरेंस डिपेंड ऑन हम किस चीज को ज्यादा वेटेज देते हैं. सब एथिकली राइट है, बट हमारा प्रेफरेंस कि भाई कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी और वैल्यूज अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माई ऑनेस्टी. ठीक है. एफिशियंसी, देखिए सिंपल एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं इसको, एक नेचर ऑफ वर्क से. बहुत बार क्या होता है कि बींग एफिशियंट अगर आप रहना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कुछ सीक्रेट्स आपको रखनी थी, बट वो सीक्रेट्स अगर आप डिस्क्लोज कर देते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को
क्या हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कम हो सकती है. तो ऑन वन हैंड दे आर कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी. अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप उन वैल्यूज को अगर डिस्क्लोज कर दीजिएगा तो आपकी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की कम हो जाएगी, बिकॉज दैट इज अ सीक्रेट थिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. बट अगर आपके अंदर ऑनेस्टी इज मोर इंटरनलाइज्ड, सो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि आप सोचेंगे कि भैया जो हो जाए हो जाए, हम अपने ऑनेस्टी के जो मेरा वैल्यू है मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं. सो मैं ये सच्चाई अगर सीक्रेट रखना भी पड़े तब भी मैं नहीं रखूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट टू दी अथॉरिटीज. सो दो ऑन वन हैंड आपकी एफिशियंसी वैल्यू कम हो रही है, बट यू आर ऑनेस्ट. सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूज विद इन यू. जर्नलिस्टिक वैल्यूज गाइज सिंपल होते हैं. देखिए, किसी भी वैल्यूज को जर्नलिस्टिक बनाना है ना, तो उसे एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में हमारे प्रीएम्बल में वैल्यूज है जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अब ये वैल्यूज को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन लेजिटिमेट बना रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो इज द फाइनल लॉ ऑफ द लैंड. ओके, इट इज द लॉ ऑफ लॉज. सो ये एक ऐसी लॉ है जो इन वैल्यूज को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज दीज आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेट द गाइडलाइंस फॉर द एंटायर इंडियन नेशन. सो इट इज अ यूनिवर्सली जर्नलिस्टिक वैल्यू. I hope this is clear. Now the next concept is about the instrumental values and the end values. Bahut simple hai guys. Dekhiye, aap hamesha ek cheez sune honge, means and ends. So kisi bhi end objective ko achieve karne ke liye kuch means ko fulfill karna padta hai. Ye simple hai. So means value kya hai? Ki eating nutritious food. Why? Eating nutritious food is kya good value hai. But kyun? End kya hai? Live a healthy life. Promote brotherhood. Brotherhood is also a good value. Why? To ensure peace and harmony. So I think the entire concept of the values and the norms is clear to you. With this, I will try to thank you all for supporting me, for liking my videos, for subscribing my videos. If you find this video fruitful, do share, subscribe and like. Thank you for your patient hearing. Jai Hind, Jai Bharat.